जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, और मैं आज पहुँचे वहाँ इंडस रिवर दे बिल्कुल बैंक दे उत्ते मखड़ जी। मखड़ शरीफ च पहुँचे हैं, पंजाब दी लास्ट बाउंड्री टूवर्ड के पी के प्रोविंस। थले तुहानू मिल रहा है दरियाए सिंध, दरियाए सिंधु मिल रहा है, जिहदी हज़ारा साल पुरानी तवारीख है, और उहदे विच किन्नियां सिविलाइजेशनस वर्क हो गई किसी नूं अज तक पता नहीं लगा। और मैं कहांगा कि ये मंदिर अपनी असली असली हालत दे विच रहा, क्योंकि इत्थे करीब ही पुलिस स्टेशन सी जिहदी वजह नाल लोगों ने इहनूं खराब नहीं किया। और एक होर मंदिर सी बिल्कुल उह दरिया दे कहिंदे ने कोल जाके सी, कोशिश करांगे उह वी लभ जाए, थड़ा साहब। तो यह जा रही है सड़क थले, वो सामने इंडस रिवर है जी, ठीक है जी, बिल्कुल बैंक ऑफ है। तुसीं देखो दूरों आंदे हां तुहानूं इस मंदिर दा जिहड़ा नज़ारा हुंदा है, अच्छा सोहना बनिया होया है, और अज तक खुलदा वा मैं कहांगा पूरा मुकम्मल। उत्ते हिंदी भी लिखी हुई है, संस्कृत जिहनूं कह लो, त्रिशूल बनिया होया है। वर्डिंग कुछ कुछ लिखी हुई है लेकिन वो नज़र भी नहीं आने लगी। ओके, अंदर तो दिखाने असं कुछ पिक्चर्स ने। एक तो यह व्यू है जिहड़ा कि तुहानू इंडस रिवर दिखाता है, देखो कितना खूबसूरत वैदर है, और जो जगाने वाली जगह है। हाँ जी, है कुछ लिखी हुई है, आर्टवर्क का सामने उत्ते पंच नहर है जी बैठा हुआ, ठीक है जी। एंड नेम्स देखो, काफ़ी कुछ मिट गया, कुछ तो डस्ट बहुत ज़्यादा पई हुई है। ब्यूटीफुल आर्ट, वॉल फ्रेस्को, हाँ जी मैं तुहानूं मंदिर दे बारे डिटेल दसदा थोड़ी जिही जी। मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, और मैं थोड़ा अज लैके आया वहाँ किला मखड़ की तलाश दर्श में निकलिया सी, क्योंकि तवारीख के कुछ पन्ने ऐसे ने 1810 तो लैके 1832 तक बार बार मखड़ 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 का जिक्र आता है। पेशावर में जाते हुए महाराजा रणजीत सिंह का इतने आना, सरदार बाग सिंह और सरदार दिल सिंह और भाई निधान सिंह का जिक्र, भाई निधान सिंह के बारे में भी मैं खालसा राज फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान दे थोड़ा जिहा शेयर किया, मैं ये मतलब पहले थोड़ा जिहा दस के आया वहाँ मेन बाजार के गल्लां जिहड़ियां ने बहुत लंबियां होणगियां, लेकिन फिर वक्त तुसीं तुहानूं दिखावांगे ये जिहड़ा मंदिर है, ये समझो समझदारी बार त्रिशूल बनया हुआ है। इतने कृष्णा यानी कि कह लो तुम कि कोई मिला कि एक मुकम्मल मंदिर है जिद बहुत ज़्यादा सारिया चीज़ा जोड़िया तस्करा किया गया, राम लीला रास लीला जी है, फिर उस तो बाद पंच नेर का भी जिक्र है, फिर उस तो बाद उत्ते एक साधु संत फकीर बैठा हुआ है और वो भक्ति हो रही है, और अंदर जड़े ने सत मूर्ति स्थान भी बनया हुआ है, तीन एक पासे ने और एक मेन मूर्ति स्थान है,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਆਰਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਸੂਰੀਆ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਮਿਰਰ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਹਨ ਔਰ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਦਾ ਵਾਲ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਦੋਂ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਾਲ ਆਰਟ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗ੍ਰੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਸਵਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤਿੱਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ।